नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के सगालिम में स्थित राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अभी एमडीएम राशि वितरण में धांधली बरतने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विद्यालय विकास मद की राशि घोटाला किए जाने का मामला खुलासा हुआ है। विद्यालय विकास मद की राशि घोटाला किए जाने की पुष्टि होने के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसे लेकर मुखिया सुनील कुमार प्रजापति के नेतृत्व में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में विद्यालय विकास मद की राशि घोटाला किए जाने को लेकर काफी हो हंगामा हुआ। विद्यालय विकास मद की राशि की फर्जी निकासी किए जाने की पुष्टि CRC विपिन बिहारी ने किया। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कि गलत तरीके से विद्यालय विकास मद की राशि निकासी की गई है। एक सप्ताह के अंदर विद्यालय विकास मद की राशि खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजित कुमार गिरी और विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अरुण साव को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष अरुण साव, संयोजिका ममता कुमार और प्रधानाध्यापक अजित कुमार गिरी के द्वारा एक तो एमडीएम की राशि वितरण में गड़बड़ी की गई है और दूसरी ओर विद्यालय विकास मद की राशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया है, जो गंभीर मामला है। बैठक में उपस्थित रंजू देवी ने बताया कि पहले वे स्कूल के संयोजिका थे, लेकिन प्रबंधन समिति अध्यक्ष अरुण साव और प्रधानाध्यापक अजीत कुमार गिरी ने अपने मनमानी तरीके से उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरी महिला ममता देवी को संयोजिका बना दिया है। उन्होंने बताया कि वे करीब 15 साल तक स्कूल में संयोजिका के पद पर कार्य किए हैं। बिना कारण बताए उन्हें संयोजिका का पद से हटा दिया गया। इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कई ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर आरोप लगाया है कि वे दबंगई की तरह विद्यालय के बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक बच्चों के स्कूल से नाम काटने और कैरियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। वहीं कई लोगों ने विद्यालय में शिक्षक की कमी का मामला उठाया। बैठक में मुखिया सुनील कुमार प्रजापति के CRP विपिन बिहारी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य परमेंद्र प्रजापति, युवा समाज सेवी श्रीकांत सिंह, रोहित सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर कम है, सब बच्चन बाहरे खेलत रहता है। 300 बच्चा है, 2-3 मास्टर है, वो डंडार भेज दिया जाता है परीक्षा में। यहाँ के सब बच्चन कूदत रहते हैं, बाकी के प्राइवेट में नाम लिखा रहता है, यहाँ सरकारी में नाम रहता है। और प्राइवेट से पढ़ के डाल्टिंग से परीक्षा दे रहे हैं, या जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा कहाँ उसका अथी कर सकता है। किनका दोष आप ठहराते हैं? इसमें हम लोग बहुत लिख के भी दिए गए हैं मास्टर के लिए, अभी तक कोई बहाली नहीं किया जा रहा है, या कोई मास्टर को यहाँ भेजा नहीं गया है। आपको हटा दिया गया है? कब हटाया गया है? 2 महीना। तो आपके जगह में कौन काम कर रही है? पहले ऐसे काम करती थी वो? नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग कर सकते हैं? हम रहती है, हम अभी 4 साल हो ले ना, क्या तुम्हारा हटाने का क्या अधिकार ले? कौन हटा है? अरुण सर। अरुण सर? अरुण साहब। अरुण साहब हटा है। वी टाइम न्यूज के लिए पलामू से चंद्रदेव प्रजापति की रिपोर्ट।